हाय, मैं उज़मा खान। मेरे यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लस्सी। तो देखिए, लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम। यहाँ मैंने चीनी ली है, चीनी मैंने 200 ग्राम ली है। कप के हिसाब से मैंने 2 कप चीनी ली है और मैंने थोड़े से बादाम को इस तरह से काट लिया है। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और मैंने ये लिया है रोज़ वाटर। मैंने 2 कुल्लड़ लिए हैं जिसमें हम लस्सी को डालेंगे बाद में बना के। तो देखिए, दही को सबसे पहले हम इस तरह से फेंट लेंगे। दही मैंने घर में जमा हुआ लिया था। घर में दही जब जमता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो घर में जमा कर ही दही लें। और मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया। इसमें अब शुगर ऐड कर दी मैंने। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसे ताकि चीनी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। तो देखिए, चीनी घुल गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम रोज़ वाटर की 4-5 बूंदें, क्योंकि लस्सी में आपने देखा होगा खुशबू आती है इसमें गुलाब जल की, तो मैंने 4-5 बूंदें गुलाब जल की इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे फेंट सकते हैं। मिक्सी में सब चीज़ डालकर पीस लें तो सब चीज़ बहुत अच्छी से ग्राइंड हो जाएगी। मैंने यहाँ स्पून की मदद से ही फेंटा है। अब देखिए, सब चीज़ अच्छे से मिल गई है, आप देख सकते हैं। अब तो देखिए, सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से फिट गई हैं। अब हमने आइस क्यूब लिए हैं, इसको इसमें ऐड करेंगे हम। तो देखिए, आइस क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम जो हमने कुल्लड़ लिए थे इसमें हम निकाल लेंगे लस्सी को। तो देखिए, इसमें हम लस्सी निकाल लेंगे, क्योंकि लस्सी का जो टेस्ट होता है वो कुल्लड़ में ही आता है। कुल्लड़ में इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो कुल्लड़ में ही बनाएं। जब भी बनाएं कुल्लड़ में ही पिए डाल के। तब देखिए, मैंने ऊपर से इसमें बादाम डाल दिए हैं कटे हुए जो मैंने लिए थे। अब लस्सी हमारी ये बिल्कुल रेडी पीने के लिए। आप इसमें बहुत ही टेस्टी बनी है। आप बिल्कुल जैसे मार्केट में हम लोग पीते हैं बिल्कुल वैसी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।